हेलो फ्रेंड्स, सो आज है 13 सितंबर 2021। तो आज हम पहुँचे, अभी हम हैं अर्धकुंवारी और आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर है यात्रा पर्ची, जो यहाँ पर हमने यात्रा पर्ची दिखाती है, जो गर्ग गुफा है, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्धकुंवारी गर्ग गुफा जो हम दर्शन करते हैं, इसके लिए आपको पर्ची लेनी पड़ती है। तो आज यात्रा का हमारा दूसरा दिन है, कल हमने यात्रा शुरू की थी और आज हम रात का, कल रात को ही हमने अपनी पर्ची ले ली थी और जोधुगर गुफा के लिए। तो जो हमारा टर्न था वो आज शाम को आएगा, हमने कल शाम को पर्ची ली थी तो आज शाम को हमारा टर्न आएगा। तो हमें पहले आज सवेरे हमने भवन जाना है, भवन दर्शन करके माता वैष्णो देवी के, फिर हमें आते वक्त गर्ग गुफा के अंदर दर्शन करने हैं। अभी जो है वो 30 नंबर चल रहा है, जैसे कल को जो आज का टर्न चल रहा है 30 नंबर, और हमारा 246 है जो कि आज शाम तक आ जाएगा टर्न। और अभी अगर हम पर्चे, अगर मैंने अभी काउंटर पर देखें तो यहाँ पर गर्ग गुफा के लिए जो अगर हमें पर्ची लेनी है दर्शन के लिए, तो जो टर्न है वो लगभग 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे बाद मिल रहा है। तो अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपना प्लानिंग उस हिसाब से करें, और आते आते जब भी आप अर्धकुंवारी में पहुँचते हैं तो आप अपनी पर्ची जरूर ले लें यहाँ पर गर्ग गुफा को जाने के लिए, ताकि आपकी जो टर्न है आप भवन जाएँ और भवन दर्शन करते आते वक्त आपकी टर्न आ जाए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज भीड़ वास्तव में बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे कैमरा का कितना भीड़ है इस जगह अभी। तो ये रहा अर्धकुंवारी का मंदिर, और जब आप इधर से आते हैं तो ये है काउंटर नंबर 1 अर्धकुंवारी का, जहाँ डोनेशन दान कक्ष है। और जो इधर आएंगे जहाँ पर आपको गर्ग गुफा, गर्जन गुफा के लिए जो दर्शन के लिए पर्ची मिलती है, वो है काउंटर नंबर 2। तो काउंटर नंबर 2 पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। काउंटर नंबर 3 पर आपको ब्लैंकेट्स, कंबल मिलते हैं, जो अगर आपको 100 रुपीज़ दे के आप कंबल इशू करा सकते हैं, और आपको जब आप कंबल रिटर्न करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ वापस हो जाते हैं। और ये है काउंटर नंबर 2 जहाँ पर आपको गुफा में जाने के लिए पर्ची मिलती है। जो अभी पर्ची मिल रही है उस पर्ची से आप 24 घंटे बाद लगभग दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो आज है 13 सितंबर 2021 और आप देख सकते हैं अभी कितने भक्त जन यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको और आगे से जाकर दिखाता हूँ। सो लेट अस सी, जय माता दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज भीड़ वास्तव में बहुत ज्यादा है, और ये सभी लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम अर्धकुंवारी से आगे भवन की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक तो जो है हमारे पास वो होता है हेमकोटी के रास्ते, जो मैंने आपको भी पीछे का चिन्ह दिखाया था वहाँ से, और ये दूसरा जो है सांझी छत की तरफ से होते हुए, जो सांझी छत की तरफ से होते हुए वो चढ़ाई का रास्ता है। और जो दूसरा रास्ता है दूसरी तरफ अगर हम जाएँ तो हेमकोटी को होते हुए, वो थोड़ा आसान रास्ता है। तो सांझी छत की तरफ जाते हुए अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है शैलपुत्री भवन, आराम करने के लिए विश्रामालय। तो रात को आप यहाँ स्टे कर सकते हैं और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में शाम को कई बार यहाँ पर काउंटर होते हैं वो फुल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर इसकी बुकिंग, और आप देख सकते हैं 120 रुपये चार्जेज हैं पर हेड, और आपको यहाँ पर सवेरे 10 बजे तक चेकआउट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, शैलपुत्री भवन। ये रहा फाइनली हमारा शैलपुत्री भवन, इसकी एंट्री गेट ये रही सामने, और यहाँ पर आपको ब्लैंकेट मिल जाते हैं। शाम को आप 500 रुपये दे के ब्लैंकेट इश्यू करा सकते हैं और आपको रिटर्न हो जाते हैं जब भी आप कंबल वापस करते हैं। तो ये रहा शैलपुत्री भवन का रेंटेड डोरमेट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउस भी फुल है। और ये रहा शैलपुत्री भवन, इसको जाने का रास्ता इधर है।
वो ये रहा लोग मैट्रिक का रूम 201-204 और यहाँ पर मैं बैठ दिखा देता हूँ। सुबह के 4 और अब हम भवन की तरफ निकल रहे हैं अर्धकुमारी से। चलिए शुरू करते हैं, भवन की तरफ जा रहे हैं अर्धकुमारी से। सौर गुड़िया, कैसे रहा तुम्हारा सफर, कैसे एंजॉय कर रहे हो सफर को? राजभवन और पीछे मुझे पा रहे हुए। सो सुबह के 4 बज चुके हैं और हम आगे निकल रहे हैं भवन के लिए अर्धकुमारी से। तो मम्मी पापा वो पीछे आ रहे हैं और ये ससुर और ये ब्रदर हैं। जय माता दी। समय हो गया है 6:00 इन द मॉर्निंग और हम भवन के बस बिल्कुल पास में, ये रहा भवन। सो बस पहुंचने वाले हैं। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है तेरे। देखिए शानदार व्यू मॉर्निंग का, और ये है माता जी का भवन। जय माता दी। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये लेफ्ट रोप मार्ग, इसके द्वारा भैरव बाबा के मंदिर ऊपर जो है उसके थ्रू जाते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक आ रहा है और दूसरा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऊपर है वो भैरव बाबा के मंदिर स्थित है और ये आप देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट है बाय रूप मार्ग जाते हैं, या फिर जो भक्त पैदल जाते हैं वो पैदल मार्ग जो चढ़ाई है वो सीधी चढ़ाई भी है। तो आप ये देख सकते हैं साथ में ये अद्भुत नज़ारा। एंट्री नंबर गेट नंबर 5, जहाँ से जो डिफेंस पर्सन है उनकी सीधा एंट्री हो जाती है। तो हम एंट्री गेट नंबर 5 से एंट्री करेंगे और ये है पूरा भवन का नज़ारा और ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत। भवन में अभी कीर्तन हो रहा है, तो अभी जो समय है वो 7:30 हो रहा है, 7:30 AM, और आज तारीख है 13 सितंबर 2021। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। सो अभी हम लाइन में लगेंगे, जो एंट्री गेट है डिफेंस वाला वो 8:30 पे ओपन होता है, 8:30 AM। तो चलिए आपको थोड़ा और आगे का व्यू दिखाते हैं। और ये रहा सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो भैरव जी का मंदिर है। ये ऊपर ये रोप वे है जो आपको रस्सी दिखाई दे रही है, ये यहाँ से जो रोप लेफ्ट है ये आपको ऊपर सीधा रोप दबा जा सकते हैं। और आपको ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है ये मार्ग सीधी चढ़ाई ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पर जाती है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू भैरव बाबा टेम्पल और ये है भैरव बाबा की चढ़ाई जो कि 2 किलोमीटर है माता वैष्णो देवी से। तो चलते हैं हम ऊपर सीधा।